क्या आप भी रोज़ रोज़ रोटी सब्ज़ी खाकर बनाकर बोर हो गए हैं? तो चलिए आज एक हल्का फुल्का सा नाश्ता ट्राई करते हैं, जो कि मेरे यहाँ तो रेगुलरली एंड फ्रिक्वेंटली बनता ही रहता है। आधा कटोरी लिया था मैंने दही, उसमें दो कटोरी ली है मैंने सूजी और आधा कटोरी लिया है मैंने बेसन। अगर आपके पास चावल का आटा हो ना तो उसको भी शामिल कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। बस अच्छे से दही के साथ उसको फेंट लिया, जितने पानी की ज़रूरत थी उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। कोई बेकिंग सोडा वगैरह बिल्कुल भी मत डालिएगा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून, एंड क्योंकि चाट मसाला डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, तो उसके अंदर भी नमक थोड़ा सा होता ही है। आधी छोटी चम्मच डाला है मैंने हल्दी पाउडर, और बस यही चीज़ें डाली हैं, नमक, दही, हल्दी पाउडर और चाट मसाला। चाट मसाला से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, एक बड़े साइज़ का टमाटर, 3 हरी मिर्च लिए हैं, और इनको लेके हम बहुत अच्छे से चॉपर में या वैसे ही बारीक बारीक काट लीजिएगा, अच्छे से चॉप कर लिया। फिर इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी जो है, आपको ये बैटर कितना पतला रखना है या कितना गाढ़ा रखना है, या आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। एकदम डोसे की तरह तो ये बनता नहीं है, क्योंकि सूजी वाला है और अभी अभी बना रहे हैं हम, तो एकदम से आप इसको एकदम पतला भी नहीं कर पाएंगे। और चलिए बनाते हैं तवे को। प्री हीट किया, लोहे के तवे में ना हमें खाना बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें आयरन मिल जाता है। आप नॉन स्टिक कुकवेयर में बनाते हैं, लेकिन जो अंदर तक सिकाई होती है ना उसकी, वो उतनी अच्छे से हो नहीं पाती है। तवे को हमने ग्रेसिंग कर दिया। ग्रेसिंग करने के बाद ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका तवा गर्म अच्छे से होना चाहिए, ठंडे तवे में नहीं डालेंगे हम। थोड़ा सा ग्रेसिंग किया, ये बैटर मैंने इस छोटी कड़छी से 3 बार डाला है। अच्छे से इसको फैला लेंगे, शेप भी आप अपनी मनपसंद इसमें दे सकते हैं। जब एक तरफ से ड्राई हो जाए तो आप इसको फ्लिप करेंगे। हल्का सा ऑयल अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर लीजिए, अगर आपने गरम गरम खाना है तो। अगर आप अप्लाई इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बस फ्लिप कर दिया, फ्लिप करके हम इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। चाहे तो आप इसे कवर कर लीजिए, चाहे आप इसे ऐसे ही सेक लीजिए। मींस कि 7 से 8 मिनट तो आपको एक ये चीला बनाने में, हेल्दी नाश्ता बनाने में लगता ही है। 6 से 7 मिनट आप बिल्कुल मान के चलिए, मैं ये कहूँ कि बहुत जल्दी वाला नाश्ता है नहीं, बट हाँ रोटी सब्ज़ी बनाने में हमें जितना टाइम लगता है उसकी प्रिपरेशन करने में, प्याज टमाटर काटने में, ओवरऑल उससे कम टाइम में आपका ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। टेस्ट भी बेटर है एंड कुछ अलग ट्राई करने का भी मन करता है। दोनों साइड से आप बहुत अच्छे से इसको क्रिस्प कर लीजिएगा। फिर मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। प्री हीट किया हुआ था तवा और उसमें ग्रीसिंग भी था, तो उसी में मैंने ये बैटर डाल दिया। इसको अच्छे से आप फैला के स्प्रेड कर देंगे। बस एक 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली कि जब हम इसको पलटेंगे तो हमारी एक साइड जो है वो अच्छे से ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दही है, दही की वजह से इस नाश्ते में थोड़ा मॉइस्चर होता है। तो जो मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर रहेगा आपके नाश्ते में और कच्चे में ही आप पलटने की कोशिश करेंगे तो ये आपका बीच में टूट जाएगा। टूटने के बाद बहुत अच्छे से सिकाई नहीं हो पाती है। अब दोनों साइड से अच्छे से दबा दबा के लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से सेक लीजिएगा। जितना अच्छा क्रिस्प बनता ना उतना अच्छा इसको, और सबसे ज़्यादा इसको खाने का मज़ा जो है ना वो आपका टमाटो सॉस के साथ ही आता है। मैंने इसे कई तरह की चटनी के साथ ट्राई किया बट उतना अच्छा नहीं लगा जितना आपको मुझे टमाटो केचप के साथ लगा। बस दोनों साइड से अच्छे से दबा दबा के हम सेक लेंगे ताकि अंदर तक इसमें बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पनेस आ जाए और बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। हमारा टेस्टी नाश्ता तैयार है। आप इसे बच्चे के लंच टिफ़िन में भी दे सकते हैं, अपने नाश्ते में बनाइए, इंस्टेंट बनाइए, स्नैक खाने का मन है या बहुत जल्दबाजी में है तो आप इसको बना लीजिए। अभी मैंने तो 4 लोगों की सर्विंग के लिए बनाया है, इसलिए मुझे टाइम लगा क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ा। अगर आप कम बना रहे हैं जल्दबाजी में तो आप 1-2 बनाइए। बाय।